दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पानी के लिए जनता परेशान है और इतनी परेशान हो गई, रोड जाम कर दिया। जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड इस वक्त जाम है और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, चाहे वो नीरज शर्मा हो, यहाँ के विधायक हो, या कोई और नेता हो, MCF हो, उसके खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। नीरज शर्मा के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं लोग। रोड जाम है, इधर दिखाओ भाई, रोड जाम है, दूर तक आप लोग देख सकते हैं, रोड जाम है। लाइट जला लो। नीरज शर्मा क्या परेशानी आ गई सर? पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे 10 दिन हो गए। कहाँ रहते हैं आप लोग? यही ज्वार कॉलोनी में रहते हैं, 2 गली आगे। अच्छा, कौन सी गली में पानी नहीं आ रहा? ये सारी गली में, ज्वार कॉलोनी से लेके पर्वतीय कॉलोनी तक से लेके आज 8 दिन हो गए हमारे घर में पानी, किसी के घर पानी नहीं आ रहा, बताइए। तो विधायक वगैरह से मिले? किससे मिले? कोई विधायक वगैरह से नहीं, कोई कहता हमारे हाथ में नहीं है, कोई कह रहा हमारे हाथ में नहीं, बताइए। MCF वाले आए? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे आपने रोड जाम क्यों कर लिया है? इसी पानी के चक्कर में कि पानी कोई तो हमारी सुने और पानी तो दे हमें। कोई आया सुनने? कोई भी नहीं आया। पुलिस आई और चली गई। पुलिस आई और चली गई। पुलिस आके चले गई। 2 मिनट खड़ी हुई, वापिस चली गई। कह रहे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कह रहे ना कोई नीरज शर्मा आएगा ना कोई आएगा, यानी पुलिस भी कह रही कि कोई नहीं आएगा। रोड जाम, आप रोड जाम मत करो और वहाँ पे जाओ, आपके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, आप अपने घर में जाओ, बताइए क्या करें? जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। पिछले हफ्ते हमारे इधर की तारे भी टूट गई थी, तब भी हमारा पानी नहीं भरा। 10 दिन हो गए, 10 दिन ये गए, 20 दिन से पानी नहीं आया हमारा, 20 दिन से परेशान है, पूरा दिन गंदा पानी चल रहा है। बस ये बता दो कौन कौन सी गली से आप लोग आए? हम वार्ड नंबर 5 से आए हैं। वार्ड नंबर 5 तो बहुत बड़ा है। ये वाली कुटिया वाली गली नंबर सोनू नाश्ते वाले के सामने गली में, सोनू नाश्ते के सामने गली से। अच्छा, सोनू नाश्ते वाले। और भैया आप लोग बताओ कौन सी गली से आए? सोनू नाश्ता पैलेस वाली गली से आया जी। इतनी गलियों में पानी नहीं आ रहा है, 3-4 गली 5 गली तक पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने घरों में पानी नहीं आ रहा? कितने घर लगा लो? 100 ज्यादा ही घर होंगे, 150-200 घर ज्यादा ही होंगे। लगा लो ज्वार कॉलोनी पूरी और पर्वतीय कॉलोनी लगाओ। अभी पब्लिक गई है इंतजार करके, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, क्या करेंगे बताइए? पानी देंगे तो एकदम काला बदबूदार पानी, क्या करेंगे उस पानी से? जो टैंकी पड़ा होगा, कभी कहते हैं हमारी मोटर खराब होगी, कभी कुछ हो गया खराब, नाली का पानी दे रहे हैं, नाली का पानी। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं पानी के चक्कर में, क्या करें बताइए? बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से बचे, अब ये नाली गंदा पानी, गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, सीवर मिक्स पानी यहाँ पर आ रहा है, तो सीवर की साफ सफाई भी नहीं हो रही और कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है। इसकी वजह से जो पीने के पानी में सीवर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। आंटी की सुनो, आंटी की, भैया हमको झुग्गी झोपड़ी वाले थोड़े जो पैसे नहीं देंगे, पैसे लेते हो महीने के महीने और टैक्स लेते हो, हम क्या है किलोमीटर चार्जिंग चार ही लेते हो तुम हमारे से, और पानी नहीं देते। ये कौन सा तरीका कि तुम पानी नहीं देते, हमें मारोगे क्या? सही बात है, आपकी परेशानी 8 दिन में एक बार पानी, 2-3 दिन में एक बार तो आना। 8 दिन में, आज 8 दिन हो गए, अभी तक पानी का कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या करेंगे बताइए? गुजारा हो रहा, खरीदते होंगे आप लोग? खरीदते हैं, हमारी गली में तो टैंकर भी नहीं आते, छोटी गली है, टैंकर भी आता, रोड में पानी भरेंगे बताइए? नाराज हैं लोग, परेशान हैं, इसी वजह से नेताओं के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। विधायक नीरज शर्मा वैसे तो पूरे हरियाणा की आवाज उठाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको पानी मिलना चाहिए, अगर पानी मिलेगा तो इनकी जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। ये यहीं आसपास के रहने वाले हैं, पर्वतीय कॉलोनी के रहने वाले हैं, और सोनू नाश्ते के आसपास की जितनी भी गलियां हैं, 4-5 गलियां हैं, वहां के रहने वाले हैं। कह रहे हैं 10 दिनों में एक दिन पानी आता है, लेकिन इतने में गुजारा नहीं है, पानी खरीदना पड़ता है, टैंकर वाले भी नहीं आते, और गंदा पानी, सीवर मिक्स पानी आ रहा है, पब्लिक परेशान है। काफी लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे लोग निराश होकर चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था यहाँ पर नेता लोग आएंगे, यहाँ पर MCF वाले आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं इनकी परेशानी जानने के लिए। नहाने इतना गंदा पानी आता है, जो नहाने धोने के लिए भी दिक्कत में आती है, इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती है, नहा भी नहीं सकते सर जी, हम बहुत परेशान हैं, पूरा NIT परेशान है, पूरा NIT परेशान है, ज्वार कोनी ऐसी है,
पूरे एमआईटी न पीने तो छोड़ो, घर से निकलने की भी जगह नहीं है। सीवर का पानी आ रहा ऊपर ऊपर जमीनों के ऊपर को पानी है, सारे सीवर लाइने जाम है। बस विधायक जी क्या कहते हैं, उनके हाथ में नहीं ऐसा नहीं, विधायक जी के हाथ में सब कुछ है। विधायक जी जानते हैं कि इलेक्शन से 6 महीना सरकार तो उनके नहीं है ना, नहीं सरकार विधायक तो उनके है, विधायक निधि तो उनको मिलती है। क्या वो ऐसा सरकार नहीं, उसका मतलब भैया पानी दिलवा दो, पानी दिलवा दो। नाम बता दीजिए। तरुण चावला, पानी दिलवा दो भैया। भैया पानी दिलवा दो, मैं तो मकान बेच के दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने लगा दिया सेल पे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ भैया। बहुत मेरी बात सुनो, मैं दिल्ली चला जाऊंगा अगर यहाँ नहीं रहते। ये रहा भैया ये शांति कुंज वाली गली, अगर आप चाहते हो मैं दिल्ली चला जाऊँ तो मेरे को भैया पानी दिलवा दो, नहीं तो मैं सारा कुछ बेच के जा रहा हूँ। मैं वहाँ रेंट पे रह लूंगा, मैं जा रहा हूँ, वहाँ पानी मिल जाता है, वहाँ पानी मिल जाता है। परेशान है, कह रहे पानी नहीं मिला तो घर बेच के दिल्ली चले जाएंगे, और इन्हें रोकना है तो पानी दो, नहीं तो सब भाग जाएंगे दिल्ली। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक की परेशानी हम दिखा रहे हैं। पानी आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर पानी नहीं आया तो भाई साहब आप सब भागोगे यहाँ से। पानी नहीं मिला तो हम तो नहीं, ना पानी है यहाँ पे, ना सीवर लाइन दुरुस्त है। विधायक जी का सीधा सा फंडा है, इलेक्शन से 6 महीने पहले हर घर घर पहुँच जाना है, ठीक है। वो सोचते 6 महीने में इलेक्शन जीता, साढ़े चार साल विधायक जी का हमारे यहाँ पता भी नहीं था नीरज कौन है, लेकिन 6 महीने हर आदमी को पता लग जाएगा नीरज विधायक थे। उनका सीधा सा बंडा है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं उनका, किसी मुसीबत से कोई लेना नहीं। देखिए विधायक जी को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पानी जल्दी से जल्दी दिलाएं। देखिए रोड जाम था, पब्लिक परेशान थी, पुलिस ने इनको समझाया है और ये भी समझ गए हैं, ये कह रहे हैं कि जल्दी से हमें पानी मिल जाए तो हम रोड जाम नहीं करेंगे और इस तरह से जनता को परेशान नहीं करेंगे। आधा पौना घंटा तो गंदा पानी आता है नाले जैसा, ऊपर साबन की झाग सी आती है। कब से आ रहा है ये पानी? ये कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, 6 महीने से परेशानी है इनकी, सब परेशान है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सब परेशान है। सबको चाहिए पानी, और पानी नहीं मिला तो इनकी नाराजगी जारी रहेगी। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।